हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिता। प्रमिता की किचन में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं और एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पूरी। कलौंजी में बनाऊंगी पूरी। ये खाने में भी जितना स्वादिष्ट है, बनाना भी उतना इजी है। चलिए शुरू करते हैं कलौंजी का पूरी बनाना। आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है पूरी। कलौंजी में बनाऊंगी पूरी। 1 कप गेहूँ की आटा, व्हीट फ्लोर, 2 स्पून तेल, 2 स्पून नमक, 1 स्पून शुगर चीनी। आप पाउडर डाल सकते, ऐसे भी डाल सकते। सारों को मिला देंगे। पहले अच्छे से मिला दीजिए। ये जो पूरी है, आप जब भी कहाँ पर भी ट्रैवल करेंगे, ये पूरी को आप पैक करके लेकर जाएंगे, तो ये पूरी 2-3 दिन तक ऐसे ही ताज़ा रहेगी, ख़राब नहीं होगी। आप ये पूरी को खाली में भी खा सकते, कोई भी मिठाई के साथ भी खा सकते, सब्जी के साथ भी खा सकते। ये खाली में भी ऐसे ही खाने से भी टेस्ट भी आ जाए। अभी हम इसमें 1 स्पून कलौंजी डालेंगे। ये जो कलौंजी है, काला जीरा, ये पूरी को और ज्यादा स्वादिष्ट करे। अभी धीरे धीरे पानी देकर इसको गूंदना है। पूरी के लिए हमेशा सख्त डो जरूरी है, इसीलिए हम भी थोड़ा सा सख्त डो बनाएं। हमारा डो रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देना, 10 मिनट के लिए कवर कर दीजिए। 10 मिनट के बाद हम बनाएंगे पूरी। हमारा 10 मिनट हो गया है। अभी देखेंगे पूरा स्मूथ हो गया है, और थोड़ा सा गूंद लेंगे। और फिर आपको जो साइज पूरी चाहिए वो साइज का गोला बना देंगे। हमारा डो भी रेडी है। एक एक करके हम थोड़ा सा तेल धीरे धीरे ही बेलना है। आप चाहे तो पूरी प्रेस में भी बना सकते हैं पूरी। आप देख सकते हैं पूरी के ऊपर जो कलंजी है, यही पूरी का टेस्ट लाएगी। पूरी जैसे आप बेलते वैसे ही बेलना है। इसी तरह पूरी को बेल देंगे और प्लेट में सारा पूरी को इसी तरह हम प्रेस करेंगे। ज़्यादा तेल नहीं लगाना, थोड़ा सा ही तेल लगाना है।
हमारा तेल भी गर्म है, सारा पूरी भी रेडी है। अभी तल लेंगे। थोड़ा सा दबा देना। इसी तरह ब्राउन कलर होने से पूरी को निकाल देना। आप ये पूरी को ट्रैवल करने के टाइम ले सकते हैं, कोई भी आलू की सब्जी और वो तो छोले के साथ भी खा सकते हैं, मीठा के साथ भी खा सकते हैं। इसी तरह सारा पूरी को हम तल लेंगे। मेरा ये बन गया है कलौंजी का पूरी। मैं दम आलू के साथ परोसा हूँ। आप चाहे तो छोले के साथ खा सकते हैं, मीठा के साथ भी खा सकते हैं। आप ये पूरी को ऐसे भी खा सकते हैं। आप ये रेसिपी को एक बार बनाइए, कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। अगर मेरा ये रेसिपी आपको पसंद आई, टेस्ट लगा, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में भी शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। मेरा अगली रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। मैं फिर मिलूंगी मेरा नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।